ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से हटाए गए अजय कुमार मिश्रा ने बड़े दावे किए हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर चार आकृतियां जो कि मूर्ति प्रतीत हो रही हैं वो नजर आई हैं, शेषनाग का फन नजर आया है, हनुमान जी की एक मूर्ति नजर आई है जिस पर सिंदूर का लेप किया गया है। ज्ञानवापी सर्वे कमीशन से अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया था। उन्होंने अब एक खुलासा किया है और कहा है कि कोर्ट से हटाए जाने पर वो काफ़ी ज़्यादा आहत हैं। उन्होंने ये मेंशन किया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने विश्वास किया और मुझे धोखा मिला। अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि मैंने फोटोग्राफर को रखा, उसने धोखा दिया। एडवोकेट विशाल सिंह से भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो उन्हें निकाल देंगे। मुझे विशाल सिंह की शिकायत पर हटाया गया है, उन्होंने मुझे धोखा दिया है, मेरे भरोसेमंद स्वभाव का फायदा उठाया गया है। अजय कुमार मिश्रा ने यह भी कहा है कि मैंने 16 मई को रात 12 बजे तक उनके साथ बैठकर रिपोर्ट तैयार की थी, मुझे नहीं पता था कि विशाल सिंह मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं वास्तव में दुखी हूं और इस बात का कष्ट रहेगा कि अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए विशाल सिंह ने उन्हें नीचा दिखाया। हाल फिलहाल मुद्दा गरमाया हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। मस्जिद में बड़े खुलासे हुए हैं, एक कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, न्यायालय में उस रिपोर्ट को पेश किया गया है और रिपोर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए नजर आए हैं एडवोकेट अजय कुमार मिश्रा। अजय कुमार मिश्रा की जो रिपोर्ट सामने आई है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें उन्होंने साफ कर दिया है मस्जिद में देवी देवताओं और मंदिर के बड़े अवशेष मिले हैं। रिपोर्ट में ये बात मेंशन की गई है, दौरान कमीशन कार्रवाई विभिन्न विग्रहों का निरीक्षण करते हुए विवादित स्थल के मूल स्थान बैरिकेडिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिर का मलबा, जिस पर देवी और देवताओं की कलाकृतियां तथा अन्य शिलापट्ट कमल की कलाकृतियां देखी गई। मंदिर के भीतर की तरफ कुछ कलाकृतियां आकार में स्पष्ट रूप से कमल एवं अन्य आकृतियां थी। उत्तर पश्चिम के कोने पर छड़ गिट्टी सीमेंट से चबूतरे पर नए निर्माण को देखा जा सकता था। उक्त सभी शिलापट्ट व आकृतियों की वीडियोग्राफी कराई गई है। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट्ट पर शेषनाग की कलाकृति नाम फन जैसे आकृतियां देखी गई, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। शिलापट्ट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृतियां देखी गई, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। शिलापट्ट पर देव विग्रह जिसमें चार मूर्तियों की आकृति दृष्टयत्य है, जिस पर सिंदूरी रंग लगा हुआ है। चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही है उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ है, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। आगे क्रम से दिया जलने के उपयोग में लाया हुआ प्रतीत होता है। त्रिकोणीय तखा जैसा जिसमें फूल रखे हुए हैं दिखाई दे रहा है, इसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। ये तथ्य काफ़ी हैं, इनमें साफ बताया गया है जिस तरह से चार मूर्तियों की तरह नज़र आ रही हैं कृतियां और एक मूर्ति ऐसी नज़र आ रही है जिस मूर्ति में लाल रंग का सिंदूर का मोटा लेप किया गया है, जाहिर है कि हनुमान जी की मूर्ति हो सकती है। ये तथ्य काफ़ी हैं और ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो अजय कुमार मिश्रा की है, जिसमें उन्होंने बड़े खुलासे किए हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। और अगर सोचा जाए तो जो लोग शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग हर चीज़ को शिवलिंग बता रहे हैं, घर के कुकर के ढक्कन के लेकर हर तरह के न्यूक्लियर प्लांट तक को शिवलिंग बता रहे हैं, जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें पहले ये रिपोर्ट अच्छी तरह पढ़ लेनी चाहिए और इस रिपोर्ट को समझ लेना चाहिए। ये वो रिपोर्ट है जो मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के सामने बनाई गई है, सबकी आंखों के सामने उसकी वीडियोग्राफी की गई है और न्यायालय में पेश की गई है। इस रिपोर्ट को अगर आप झुठला सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि शिवलिंग झूठ है और तो आप हर चीज़ को शिवलिंग का दावा कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानवापी में जो तथ्य मिले हैं, जो सच्चाई मिली है, वो ये है कि वहाँ चार मूर्तियाँ जो आकृतियाँ नज़र आ रही हैं नज़र आई हैं और एक ऐसी मूर्ति नज़र आई है जिस मूर्ति पर सिंदूर का मोटा लेप है। तो ये काफ़ी प्रमाण है उन लोगों को ये समझाने के लिए कि दरअसल क्या है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और वो मंदिर है या मस्जिद है। हाल फिलहाल ज्ञानवापी सर्वे से हटाए गए कमिश्नर जो अजय कुमार मिश्रा हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है और बड़ा खुलासा उनका सामने आया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अब तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।